आप देख रहा है भुवनेश्वर का ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है। तो भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म से कैसे जाना है, बस में कितना रुपया लगता है, ये शुरू से एंड तक पूरा देखिए वीडियो। तो अच्छा लगे तो जरूर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पहले आपको भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म का एक नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के बाद सीधा आगे थोड़ा बढ़ेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में बस स्टैंड आएंगे। तो बस स्टैंड में जब एंट्री करेंगे, ये बस स्टैंड दिख रहा है, बस स्टैंड में एंट्री करेंगे तो कितना नंबर बस पकड़ लेंगे जरूर देखिए। बस स्टैंड में तो बहुत सारे बस स्टैंड है, ये है बस स्टैंड, तो बहुत सारे बस है। तो एपेक्स इंस्टीट्यूट जाने के लिए कौन सा बस पकड़ लेंगे, तो देखिए एपेक्स इंस्टीट्यूट जाने के लिए यह जो बस दिखाई दे रहा है, ये OR05, इस नंबर OR05 इस नंबर बस पकड़ लेंगे तो आप एपेक्स इंस्टीट्यूट में पहुंच पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं बस में हूँ, बस में कितना टाइम लगेगा भुवनेश्वर से एपेक्स इंस्टीट्यूट एग्जाम सेंटर में जाने के लिए, तो बस में सिर्फ भुवनेश्वर से एपेक्स इंस्टीट्यूट जाने के सिर्फ 30 से 40 मिनट लगेगा। और भाड़ा कितना है, भाड़ा कितना रुपया है, भाड़ा सिर्फ 30 रुपया में, 30 रुपया में 30 से 45 मिनट के बीच में आप पहुंच पाएंगे एपेक इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम सेंटर में। और यहाँ पे कहाँ पे उतरना होगा आपका, वो उतरना होगा कानू लेंग का पेट्रोल पंप है, कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे वो आपको उतर देंगे कानू लेंग का पेट्रोल पंप का नज़दीक में। बस से उतरने के बाद आपको और कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ मेन रोड का बगल में ही ये इंस्टीट्यूट है, एग्ज़ाम सेंटर है। तो सिर्फ आपका डाइने राइट साइड में ये एग्ज़ाम सेंटर है, सिर्फ मेन रोड का बगल में ही है, और कुछ नहीं पकड़ना। सिर्फ पैदल में आप मेन रोड के डाइने साइड में सिर्फ रोड से ही आप ये एग्ज़ाम सेंटर देख पाएंगे। तो खूबसूरत बहुत अच्छा एग्ज़ाम सेंटर है। तो एग्ज़ाम सेंटर में बैग रखने का कुछ जगह है क्या, कुछ बैग रखने का कोई प्लेस है क्या, तो देखिए बैग रखने का प्लेस और एग्ज़ाम सेंटर का बाहर से कैसे दिखता है। तो ये देखिए आप एग्ज़ाम सेंटर से आप भी देख पाएंगे मेन रोड, सीधा मेन रोड देख पाएंगे। तो ये है एग्ज़ाम सेंटर है, तो अच्छा है, बाहर से गुड लुकिंग है। तो साइड में बैठने के लिए कुछ भी प्लेस भी है रेस्ट लेने के लिए। और एक यहाँ पे है, यहाँ पे कोई जेरोक्स का कोई दुकान है नज़दीक में, तो आपको जेरोक्स कुछ करना है तो घर से लेके आना होगा। ये है आपका ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो बाहर से देखिए एक बार कैसे है एग्ज़ाम सेंटर। तो इसके बाद हम जाऊँगा बैग रखने का कुछ प्लेस है क्या, बैग रखने का प्लेस कैसे है वो भी आप देख लीजिए एक बार। ये है आप देख रहा है, तो बैग रखने का प्लेस बहुत ही अच्छा है, आप रिलैक्स में बैग यहाँ पे रख सकता है। तो देख लीजिए बैग रखने का रूम है ये, तो हर बैग में टोकन सिस्टम है, तो टोकन भी दिखाई दे रहा है, टोकन सिस्टम है बैग में लिखा हुआ है। तो रिलैक्स में आप बैग रख सकता है यहाँ पर। तो देख लीजिए बैग रखने का रूम बहुत ही सिक्योरिटी से साथ बैग रख रहा है सब। ये आप देख रहा है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर एपेक्स इंस्टीट्यूट है। तो और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम सेंटर का नज़दीक में कोई जेरोक्स का और प्रिंट आउट का कोई शॉप नहीं है। आप एग्ज़ाम सेंटर के एग्जाम एडमिट प्रिंट आउट करेंगे तो घर से आपको लेके आना होगा प्रिंट आउट एडमिट का। तो यहाँ पे कोई जेरोक्स का शॉप नहीं है, सिर्फ मिठाई का दुकान है, बहुत सारे मिठाई का दुकान है एग्ज़ाम सेंटर का नज़दीक में, रोड के साइड में, मेन रोड का साइड में सिर्फ मिठाई का दुकान है। तो देख लीजिए बहुत सारे मिठाई का दुकान एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक में है। और दूसरा कोई खाने का चीज़ नहीं है, सिर्फ मिठाई है, पूरा मिठाई का दुकान है ना, सब मिठाई है। तो कुछ बता दीजिए तो क्या क्या मिठाई है, नाम तो नाम नहीं पता ना, तो नाम कितना है कौन का, ये रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला है ना, है और छोटा वाला 5 है, बड़ा वाला 10, हाँ। और वहाँ पे जो वो केक का जैसा दिख रहा है वो 250 चना पड़ा है ना, हाँ उसमें 250 रुपया हाँ पर केजी,
वो वाला है ना 1 piece 5 rupees। हाँ हाँ, 1 kilo 160। तो मैं बंगाली हूँ तो ये तो नाम को नाम देख कर नाम भी ना, नहीं पता। रसगुल्ला है ना? हाँ, ये वाला छोटा वाला रसगुल्ला 5 rupees, बड़ा वाला 10 rupees और बड़ा वाला 20। 20 rupees, बहुत अच्छा। पूरा लंबाई जो जो दुकान है सब मिठाई का दुकान है। थैंक यू। तो आप देख रहा था इतना टाइम तक, भुवनेश्वर का एग्जाम सेंटर है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कैसे आना है, कितना नंबर बस पकड़ना है, बस कितना नंबर, कितना नाम, कितना टाइम लगता है, सब कुछ बता दिया था मैं इस वीडियो में। जरूर अच्छा लगा तो जरूर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।